कर्मचारी होता नौकर और समय आपको राहुल ने किसने मारा कटने हुई है राहुल में आई है आप मत आई हो तो ये अपनी सेना उसने अभद्रता से कहा कि हम लोग एक घंटे से बैठे तो हम लोग के बीच में थोड़ा सा बातचीत रखी हुई। किसके बीच में? हमारे और जो मैनेजर वहाँ बैठे थे उनके बीच में। कि भैया क्या है कि मतलब अगर मान लो ना यात्रीगण ऐसे आके ऐसे परेशान होंगे तो फिर ना क्षेत्रीय व्यवस्था होगा क्या, क्योंकि कोई अभी ऐसी भीड़ भाड़ भी नहीं है क्षेत्र में या कुछ भी, कि आपने इतना जल्दी व्यवस्थाएँ नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे लेके हम लोग के बीच में बातचीतें हुई दोनों के बीच में बातचीतें हम लोगों की हुई। तो कहने लगे बातचीत जब हुई तो फिर थोड़ा सा तू मैं ज़्यादा हो गई तो उनने गार्डों को बुलवाया। तो देखते एक तो उनने लिया फार्म फाड़ के फेंक दिया, वो एक सब मुड़ के अंदर रख लिया। कहने लगा कि रूम नहीं है अभी, ठीक है भैया रूम नहीं है। तो फिर बस ऐसे थोड़ी बहुत होता रहा है। फिर उनने लिया तो सीधा लट्टे से मारा हम लोग। तो साथ वाले लोग भागे तो उन लोगों के ऊपर उन्होंने फायरिंग किया जो गार्ड लगे हुए थे। ये फायर किस किसने किया था? जो गार्ड लगे हुए थे उन्होंने फायरिंग किया। इनके साथ और कौन कौन थे? उन लोग थे जिनेश जैन का, सनत जैन थे जो प्रबंधक है वहाँ के, सनत जैन थे, जिनेश जैन थे और विपुल जैन था जो वहाँ पे पर्ची स्लिप बनाता है। और विपुल के साथ साथ एक महेंद्र यादव जिसने सोने की चैन भी छुड़ाई मेरे भाई की, टूटी पड़ी है वो, उन्होंने जब ना पुलिस वाले आए उस समय निकाल के दी जेब से, जो अपन ने देख लिए थे। ये कुल कितने लोग आए थे हमला करने के लिए? सब 16-17 लोग थे। आप लोग पूरे हुए थे? हम लोग 4 लोग थे बस। इसकी रिपोर्ट वहाँ लिखाई आपने पटेल थाने? लिखाई तो उन्होंने ना पहले कहा कि नहीं भैया वो आप ना गोली वोली का मत लिखवा। पूरे यात्री भी जबकि बाहर आ गए थे गोली चलने पर, सब लोग पे कहने लगे गोलियों का मत लिखवा। क्षेत्र का मामला तो हमने भैया जो हुआ अगर मान लो हमारे साथ वाला वो चला जाता इसके ऊपर आपने फायरिंग की है फिर हम क्या करते? फिर आप क्षेत्र का मामला देखते क्या? गए दोस्त के साथ हम लोग 4 लोग गए थे 2 बाइक से। उसके बाद हम लोगों को रोकने के लिए हम लोगों ने अपने एक दोस्त को भेजा कि कमरा लेने के लिए। तो कमरा लेने गया तो उधर एक लड़का था विपुल जैन करके, तो वो लड़के ने उसको कमरा देने में दिक्कत करी। उसके बाद अब दिक्कत क्यों करी जे मालूम नहीं। उसके बाद वो लड़का गया तो आध घंटा के लिए गोल हो गया। वो वहाँ के उसको जिनेश जैन प्रबंधक को ले आया, उनने हमारे दोस्त राहुल लहरी पर मतलब एक तमाचा मारा। उनने तमाचा मारा तो उनके साथ जो 15-20 लोग थे सब लोगों ने लट्ठबाजी चालू कर दी। लट्ठबाजी में मतलब हमको चोट आई, हमारे दोस्त राहुल को चोट आई। फायर कितने लोगों ने किया? फायर दो सुरक्षा गार्डों ने किया, एक ने 3 फायर किया, एक ने 1 फायर किया, लेकिन फायर लगा किसी को नहीं है। क्या विवाद रहा है आपकी समिति से? अब
जा कुछ नहीं बोल सकत भाई, जब अपन हो तो सिर्फ मतलब जो ही अपनो तुम कमरा के चक्कर में भाव हमारों को, तो अब उनके मन में कहा है जहाँ हमें मालूम नहीं है। मंदिर समिति के लोग इतने उग्र कैसे हो गए कि उनको फायर करना पड़ा? अब भाई साहब ई का मालूम है नहीं, अब ई की तहकीकात तो पुलिस ही कर रहे पूरी जी। 12-1 बजे के लगभग तो वहाँ पर हमारे साथी है राहुल लहरी, वो भी हमारे साथ में रहे थे जी। उनका थोड़ी सा उधर विवाद विवाद टाइप का हो गया था, तो मतलब उसमें थोड़ी सीना झपटी आवत में एक्सीडेंट हो गया था, निकले जा रहा था सीना झपटी भाई, तो दो जनों के बीच में तो उन्होंने बोली भागो गाड़ी से। तो गोली किसने चलाई थी? गोली किसने चलाई थी? गोली वहाँ पर 3 फायर हुए थे, तो वहाँ के गार्ड ने गोली चलाई थी। गार्ड ने? हाँ। क्यों चलाई थी कुछ ये तो समझ में आया होगा? पूरा नाम आपका? सिराज। सिराज जी, तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे और क्या हुआ ये विवाद थोड़ा सा बता दें आप। हम लोग कुंडलपुर गए थे ना, बोला ना रात में। किस लिए? मतलब हमारे एक रिश्तेदार आए थे, तो हम लोग उनको लगा के मतलब रात में कुंडलपुर गए थे, तो कमरा लेने उनको भेजा लड़क मतलब दोस्त को रिश्तेदार को, तो उसके बाद उधर वो लड़का से थोड़ी बातचीत टाइप की हुई उससे, तो वो लड़का से बोला कि कमरा दे, तो वो कमरा की पर्ची मतलब लेके और वहाँ पर चला गया प्रबंधक जी के पास, तो वहाँ से वो लोग आए और वो विवाद टाइप का होने लगा सीना झपटी, तो फिर मतलब चोट हो गई। कमरा लेने पर से इतनी सी बात पर ये विवाद कैसे बढ़ गया? कमरा लेने पे नहीं, तो उस कमरा नहीं दिया उसने, उसके बाद मतलब बातचीत हुई, तो प्रबंधक जी को लाया तो उन्होंने हमारे एक दोस्त पर मतलब फायर कर दिया, थप्पड़ मार दिया, उन्होंने थप्पड़ मारा, उसके बाद गार्डों ने गोली वोली चलाई। अच्छा, कितने लोगों ने फायर किए थे? दो लोगों। उसमें प्रबंधक भी शामिल थे ना? प्रबंधक शामिल नहीं थे मतलब। अच्छा, हाँ। किस किस को चोटें आई हैं? राहुल लहरी और सिराज जैन और थोड़ी मोदी चोटिन को नितिन जैन, बस 3 लोगों को। क्या लगता है इस विवाद के पीछे कारण क्या रहा? अब भैया जी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जे बोलो कि अब कोई कमरे पे से हुआ है, तो वो उधर की उनकी जो मतलब ट्रस्ट में लोग हैं, चाहे उनकी गलती समझो या मतलब जैसा भी हो, तो उस कमरे पैसे में बात हो गया। ये मंदिर जैसी जगहों पे फायर ये कौन रखे थे ये सब रिवॉल्वर या बंदूक? वहाँ पर जो गार्ड थे तो फिर उन लोगों ने फायर कर दिया। तो आप मतलब है नहीं? नहीं नहीं, जय बात है, क्लियर बात है। हुआ क्या था बस थोड़ा सा आधी रात में खुलने पर जी हमारे पहुँचे 1 बजे, हारी था कि 2-व्हीलर से गए थे, दोस्त आए थे जबलपुर से, तो अपन ने सोची कि रात में जहाँ सोते हैं सो जाए, बस सुबह से जल्दी उठे, तो हिसाब से कमरा ले अभी गए, तो फिर नाटक चीटा बातचीत होने लगी। लेकिन आप भी जैन वो भी हाँ। समिति भी जैन हाँ। समाज से है हाँ। तो फिर उनको इतने ऐतराज क्यों हो रहा होगा? अब वो ही तो बड्डी अब अपने अब कच्चू कह नहीं सका था, अपन पे तो चोट भाई डायरेक्ट, तो मतलब फिर हम लोग यहीं आ गए, फिर अपन ने अब कच्चू मदद को पता नहीं जाए। तो फायर कौन कौन ने करी? फायर भाई हते बड्डे गार्ड हते 2 जने, तो मतलब प्रबंधक भी तो हैं उसमें सुना है, प्रबंधक भी आ गए थे। प्रबंधक आए थे और उन्होंने लपड़ मारा था जी, लपड़ मारा था। किसने? जिनेश जैन नाम से जो प्रबंधक है, उनने पहले हाथ मारा था, पहले हाथ उन्होंने उठाया, तो उनसे आपने बोला नहीं है? अभी हम लोग सिर्फ बोला यार बड्डे यार भाई, तो बात बनो उन्होंने हाथ उठा तो टारगेट बना लो सब जनों ने जितने खड़े थे उनके 15-20 जने, तो ये तो सही हो गई जी। बताइए क्या घटना है ये? हम लोग कुंडलपुर गए थे रात में 12 बजे, तो रुकने की दृष्टि से हम लोग सोच रहे थे रुके, तो कमरा लेने के लिए लड़के को भेजा, तो उन्हें लड़का को कमरा मतलब कमरा देने में दिक्कत करी, वहाँ के प्रबंधक जी आए, उनने हमारे दोस्त राहुल लहरी पर मतलब लापड़ मार दिया, उसके वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे उन लोगों ने मतलब एक प्रकार से सब लोग इकट्ठे हो गए, तो मारा पीटी हो गई चालू,
उसमें मतलब हमको चोट आई सिर में और हमारे दोस्त राहुल लहरी को चोट आई और उसके बाद वहाँ पर जो गांठ थी उन्होंने फायर कर दिए। अच्छा, प्रबंधक जी ने भी फायर किया है? प्रबंधक जी ने नहीं किया भैया। किस किस को चोटें आई हैं? राहुल लहरी, सिराजन और एक और नितिन जैन। किस तरीके से चोट आई है आपको? किस तरीके की चोट आई है? हमको तो सिर में चोट है गहरी। छर्रे लगे? छर्रे नहीं लगे हमको, वो लठ मतलब जो लठ था उनके वो मतलब वो चपरासी टाइप में रहते हैं तो वो लठ कहला है। और हमें भी मालूम है कि आखिर कहा है। और एक बार जो बयान दो तो बदले नहीं बार बार तो अच्छा लगता है, उसमें तुम्हें भी दिक्कत होगी? तो कोई दिक्कत नहीं भैया, एक सेकेंड हमसे ले लीजिए फोटो। मनीष जी आईडी लगाओ आप, ठीक है? जो है वो तो मंडे जो ही आता था बता चलेंगे जो ही तो बैटर नहीं वहां कहीं में भाई साहब झूठ नहीं है ये मैटर मैटर जो ही है। हम और कंडलपुर गए थे का जोन को चोट लगी है वही तो चूतिया है नहीं है कि वो दबाए वो चीज को काहे कि वो तो रिपोर्ट भी कर रहा है रिपोर्ट तो आप कुछ छर्रा तो लगी है? छर्रा नहीं लगा, नहीं लगे छर्रा। ये लठ के निशान है उसको टाके आए लठ गलो बड्डे आठ टाके आए हमारे राजा बहुत गहरी मतलब खून निकलो है। इतने उग्र कैसे हो गए मंदिर समिति के लोग भाई? तो बड्डे हमारा खुद समझ में नहीं आ रहा है सिस्टम का, हमारा खुद मालूम नहीं जाके कमरा पे से विवाद भाव भाई साहब। कुछ है, आप लोगों में गुटबाजी भी चल रही क्या? नहीं नहीं गुटबाजी कच्ची नहीं चल रही। तो क्या आपको वो अंदर आना नहीं दे रहे थे? नहीं अंदर तो गए थे भाई साहब लेकिन कमरा देने में दिक्कत कर रहे थे भाई साहब। जी पूछा तो होगा आपने कैसे क्यों मना मतलब कर अपन गए तो मतलब उन्होंने फार्म लो लड़का ने फार्म लेके सालो गोल हो गो आध घंटा हो गो उसके बाद ऊपर मंदा को लेके आ उनने हमारे दोस्त पे अटैक कर दो लापड़ मारो उनने लापड़ मारो जो संग जत्ते थे सबने लपड़ाई चालू फायर शुरू कर दे। नहीं नहीं फिर उनने लठबाजी चालू करी उसके बाद जो गार्ड आते उनने तीन फायर करी। छर्रे किस किस को लगे? छर्रे नहीं लगे किसी को, नहीं मैं दिक्कत करी उसके बाद। अब दिक्कत क्यों करी जी मालूम नहीं। उसके बाद वो लड़का गया तो आध घंटा के लिए गोल हो गया वो वहाँ के उसको जिनेश जैन प्रबंधक को ले आया उनने हमारे दोस्त राहुल लहरी पर मतलब एक तमाचा मारा उनने तमाचा मारा तो उनके साथ जो 15-20 लोग थे सब लोगों ने लट्ठेबाजी चालू कर दी। लट्ठेबाजी में मतलब हमको चोट आई हमारे दोस्त राहुल को चोट आई। फायर कितने लोगों ने किया? फायर दो सुरक्षा गार्डों ने किया, एक ने तीन फायर किया, एक ने एक फायर किया लेकिन फायर लगा किसी को नहीं। क्या विवाद रहा है आपकी समिति से? जा कुछ नहीं बोल सकत भाई साहब अपन हो तो सिर्फ मतलब जो ही अपनो तुम्हारा कमरा के चक्कर में हो हमारों को तो अब उनके मन में कहा है जा हमें मालूम नहीं है। मंदिर समिति के लोग इतने उग्र कैसे हो गए कि उनको फायर करना पड़ा? अब भाई साहब ई का मालूम है नहीं अभी की तहकीकात तो पुलिस ही कर है पूरी। पुलिस तक मामला में हम लोगों को पहुँचा नहीं है। पुलिस ने हम लोग पटेरा थाने में रिपोर्ट करने गए थे तो वहाँ पर हम लोगों की रिपोर्ट हुई नहीं, हम लोग सीधे इधर आ गए। क्यों रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? अब जी तो हम लोगों को समझ में नहीं आया, उधर कोई दुबे जी करके थे उन लोगों ने हम लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी, हम लोगों ने दोस्त की गाड़ी बुलाई और उधर इधर आ गए दमो MLC करवाई और यहाँ पर भर्ती है। यहाँ MLC कहाँ पर करवाई? MLC अंदर करवाई थी पुलिस चौकी। हाँ नहीं अपन ने मतलब उनने अपना पूरा मुकदमा दायम न करो तो 155 कहा था जी कचूरी 155 जो कचूरी कहा था वो करके उनने अपना एक आदमी भेजो साथ में उन्हें हमारी अंदर मतलब डॉक्टर साहब से पूरी MLC करवाई पट्टी भाई टाँके लगे वो सिस्टम हो। इससे पहले जब वहाँ पर आप पुलिस चौकी गए थे क्या कहना था उनका? पुलिस चौकी वालों को कच्ची नहीं, पुलिस चौकी वाले कहने लगे हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख रहे हैं हमारे चार जने थे उनने अपने हिसाब से जो कचू भी कच्ची करी हो उतना ही सिस्टम करो उसके बाद हमारा तो चलता।